Hello everyone, very warm welcome to all of you on an Academy UPSC Hindi channel. मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो एक बार मुझे सूचित करें ताकि आगे की पढ़ाई शुरू की जा सके. कई सारे सवाल आपके मन में होंगे, अभी तक कहाँ थे. तो मैं सबके लिए बता दूं, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए आपके बीच में नहीं आ पा रहा था. एंड आई एम मिसिंग यू पीपल अलॉट. लौट के भी आ गया हूँ आपके बीच में. एक बार मुझे सूचित करें, मेरी आवाज़ मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो आगे की पढ़ाई शुरू की जाए. मेरी वीडियो नहीं दिखाई पड़ रही है, ये मैं लाइव हो चुका हूं और आप सभी अभी जुड़े नहीं हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए. चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस यात्रा पे जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों विज्ञान और प्रौद्योगिकी का. एनर्जी का सेक्शन, लास्ट सेक्शन जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ITER, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो बन के अब अपनी जो है तैयारी को प्राप्त होने वाला है. तो दीपशिखा आई हैं, अभिषेक आए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं, बाकी लोगों को भी बुलाइए. साइंस टेक और एनवायरनमेंट के लिए आपके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ. एनवायरनमेंट की क्लास नहीं हो पा रही थी, साइंस टेक की भी नहीं हो पा रही थी. शुरू करते हैं, कल से हम लोग एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे. 2 बजे का समय रहेगा और शाम को 9 बजे हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे बच्चों. और ये टीम है पूरी की पूरी, लक्ष्य 2020 की टीम अपना दमखम लगा के आपके बीच में है और आप लोग भी अपनी टीम के साथ, टीचर्स के साथ पढ़ रहे हैं. अखिलेश नाम है मेरा, 6 साल का एक्सपीरियंस साइंस टेक ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ाने का, आंसर राइटिंग एक्सपर्ट हूँ और ये सब कुछ लेके अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं आता हूँ. और आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट ने एडमिशन भी लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सब आमंत्रित हैं. वहाँ पे मेरा कोर्स चल रहा है अभी, तो आप सभी लोग आएँ और वहाँ क्लासरूम का आनंद उठाएँ. सर दीपशिखा ने पूछा है कहाँ थे प्यारे बच्चे. मेरी थोड़ा सा बीमार था, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार उखार आ गया था. अब ठीक हूँ, मैं आ गया हूँ. प्लस के सब्सक्रिप्शन में फ़ायदे क्या हैं? लाइव क्लास मिलती है और टेस्ट सीरीज़ क्विज़र के रूप में हम लोग जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसको रिवाइज कराते हैं और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते हैं ताकि आपको अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप उसे पूछ लें, उसे समझ लें और आपकी तैयारी बेहतर हो. ये सब कुछ हम प्लस के सब्सक्रिप्शन पे करते हैं बच्चे. आपको प्लस पे आना है और आना चाहिए क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा मुकाम देना चाहते हैं तो आप प्लस पे ज़रूर आएँ. प्लस पे आपको रेगुलर कोर्स मिलेंगे, समय के साथ कवरेज होगा कोर्स का, एक क्लासरूम जैसी व्यवस्थित पढ़ाई होगी और आप भी बंधे रहेंगे क्योंकि आपने पैसे दिए हैं. यूं ही आप फ्री में पढ़ते हैं तो आप कभी कभी गोल मार देते हैं और चले जाते हैं, पढ़ने वढ़ने आते नहीं हैं. तो वहाँ पे तो कम से कम ये रहेगा कि आप लोग जुड़े हुए हैं इसलिए आपको आना है. बहुत कम लोग अभी आए हुए हैं, फटाफट जोड़िए. सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. और ACS Live मेरा प्रोमो कोड है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो जो आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है और तब जा कर के आपकी फ़ीस 39,600 और 57,600 हो जाती है 12 महीने और 24 महीने के लिए. थैंक यू दीपशिखा फॉर द कंसर्न. ध्यान तो देता हूँ, गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं बच्चे, चलता रहता ही है अप्स एंड डाउन्स. बट हाँ, ये मेरा प्रोमो कोड आप याद रखिएगा, इसको अगर आप याद रखेंगे तो देर विल बी नो डाउन्स, देर विल बी ऑलवेज अप. और आप सभी आमंत्रित हैं प्लस पे. प्लस पे मेरा कोर्स चल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स, और बड़ा ही मज़ेदार कोर्स है. आप सब भी वहाँ रहते तो और मज़ा आता. UPSC CSE की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी ने आपको आइकॉनिक का एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो प्लस का अपग्रेडेड वर्जन है, जहां आपको पर्सनल कोचिंग, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ और प्रॉपर स्ट्रेटजिक प्लानर के साथ. यस आई एम ओके नाउ. ठीक है,
और स्टडी प्लानर के साथ पर्सनलाइज फीडबैक आपको आइकॉनिक पे मिलेगा, जिसकी फ़ीस 24 महीने की 99,000 है। अगर आप ACS लाइव यहाँ भी यूज़ करते हैं, जो कि मेरा प्रोमो कोड है ACS लाइव, तो यू आर गोइंग टू हैव 10% रिडक्शन इन योर फीस, और ये तब मिल जाएगा आपको 89,100 रुपये में। तो इसको भी आप लीजिए, और पर्सनल कोचिंग के रूप में आप अपने जिस भी टीचर को चुनना चाहें वो टीचर आपके साथ रहेगा। अगर ACS लाइव आप चुनते हैं तो आई विल बी योर पर्सनल मेंटर, ठीक है? तो फटाफट जोड़िए, बाकी लोग लग रहा है क्लास अभी चल रही है इसलिए आए नहीं हैं, या आदत तो नहीं छोड़ दिया आपने कि सर के साथ भी 1 घंटे बिताना होता है। फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास चल रही है बच्चों 27 अगस्त से, और काफ़ी कुछ पढ़ाया जा चुका है। आप भी जुड़िए इससे, ACS लाइव मेरा प्रोमो कोड है, 10% आप रिडक्शन पाएंगे अगर आप जुड़ते हैं तो। चलिए आइए, आज आपके लिए आज जो चैप्टर है वो है ITER, पहले इसका दर्शन करिए। ये कोई विज्ञान गल्प जैसी किसी मूवी का सीन नहीं है, ये वास्तव में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के बनने के पश्चात वो कैसा दिखेगा, उसकी एक इमेज है बच्चों। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको हम आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं, कैडराश फ्रांस में बनाया जा रहा है, काफी समय से बनाया जा रहा है, और यह फ्यूजन पर आधारित न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, वो सब कुछ फ्यूजन रिएक्शन यानी विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित तकनीकियों को देखा, लेकिन ये रिएक्टर अपने आप में यूनिक है, ये फ्यूजन रिएक्टर है। प्यारे बच्चों, इस तकनीकी को अचीव करने के लिए, इसे बनाने के लिए, सबसे बड़ा हर्डल जो था वो ये था कि फ्यूजन की अभिक्रिया कराई कैसे जाए। क्यों? क्योंकि फ्यूजन अभिक्रिया कराने के लिए तापमान आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वो होता है 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। प्यारे बच्चों, फ्यूजन की अभिक्रिया पहले देखते हैं क्या होती है। आप सामने चित्र में देख रहे होंगे, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन की ये दोनों समस्थानिक जब आपस में जुड़ते हैं तो हीलियम का एक नाभिक बनता है, साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन बनता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। ये प्रक्रिया फ्यूजन कहलाती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। प्यारे बच्चों, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में अगर हम इसे जनरलाइज करें तो दो हल्के नाभिक जब जुड़ करके एक दूसरे से एक भारी नाभिक बनाते हैं, तथा इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान क्षति होती है, और क्षति हुआ यह द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के द्वारा जब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय विखंडन कहलाती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चे, जब दो हल्के नाभिक, ये हल्के हैं, इनसे पूछो, हल्का नंबर वन कहेगा मैं हूँ ड्यूटेरियम, हाँ हाइड्रोजन का एक समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, मैंने बताया था, समान स्थान रखने वाले, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ट्रुटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। जैसे क्लोरीन के 2 समस्थानिक, 17Cl35, 17Cl37। जैसे यूरेनियम के 3 समस्थानिक, यूरेनियम 233, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235, ये 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब है इनका परमाणु क्रमांक समान है बच्चों। यूरेनियम का 92 92 92, 17Cl क्लोरीन का 17, हाइड्रोजन का 1 1H1 1H2 और 1H3, इनको हम कहते हैं समस्थानिक। प्यारे बच्चों, ये हैं आइसोटोप्स, और ये आइसोटोप्स जब एक साथ मिलते हैं, मिलने के लिए, इनको मिलाने के लिए
अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है 10^6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है तब जा करके अरे किसकी आरती उतारी जा रही है भाई? नए बच्चों की आरती, नए बच्चों का स्वागत है। रवि ने कहा है तो आरती आरती मतलब शैतानी तो नहीं कर रहे हैं रवि? आप तो काफ़ी सेंसिबल हैं, आप शैतानी नहीं करेंगे, आप मजाक कर रहे होंगे। तो भाई जो भी नए बच्चे हैं उन सबका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन को समझिएगा, जब दो हल्के नाभिक एक साथ जुड़ करके भारी नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है और क्षति हुआ यह द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² से ऊर्जा में बदल जाता है, और यही ऊर्जा संलयन अभिक्रिया के पश्चात निकलती है, जिसको हम अगर हार्नेस कर लें, रिएक्टर बना लें, तो वही होता है फ्यूज़न रिएक्शन। सबसे बड़ी समस्या इसकी यही होती है बच्चे, इतना तापमान प्राप्त करना। इस तापमान को प्राप्त करने के लिए, फ्यूज़न रिएक्शन को चलाने के लिए फीशन बम की आवश्यकता पड़ेगी। भैया 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो आप हीटर से और बल्ब जला के तो नहीं प्राप्त कर सकते, न ही कोयले को जला करके। यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ फीशन रिएक्शन, तब जा करके ये तापमान मिलेगा और फ्यूज़न रिएक्शन हो पाएगा। अब ज़रा सोचिए, इस तापमान पे क्या आपके पास कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा स्थान, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसके अंदर इतने तापमान पे आप फ्यूज़न रिएक्शन कराने जाएं और बिना फ्यूज़ हुए वापस आएं? ऐसा नहीं हो सकता। इतने तापमान पे बच्चे लिटरली जो कुछ भी आप पृथ्वी पे देखते हैं सब कुछ वोलाटाइल हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। इतने तापमान के अंदर इस प्लाज्मा अवस्था को स्थापित करने के लिए कि वहाँ फ्यूज़न रिएक्शन हो सके, जो तकनीकी यूज की जाती है उसे कहते हैं टोकामैक टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? टोकामैक टेक्नोलॉजी, पहले इसको जान लें, टोकामैक टेक्नोलॉजी। टोकामैक टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, बड़े बड़े चुंबक लगाए जाते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट लगाए जाते हैं, और उनके मैग्नेटिक फोर्स के कारण, इन बड़े मैग्नेटिक फोर्स के कारण प्यारे बच्चों, जो इनके बीच का स्थान होता है वो खाली स्थान होता है, और इनके मैग्नेटिक फोर्स के कारण इस खाली स्थान में जो फ्यूज़न कराना है 10^6 और 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, उस प्लाज्मा को हम यहाँ कन्फाइंड कर पाते हैं, उस प्लाज्मा को हम यहाँ रख पाते हैं। जैसे कि मैगलेव टेक्नोलॉजी से हम ट्रेन को लेविटेट करते हैं, ठीक वैसा आप समझ सकते हैं कि वो जो प्लाज्मा 10^7 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है, वो उस मैग्नेट को न टच करे, वो हवा में ही लटका रहे, और वहाँ तापमान हो कितना, 10^7 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पे हम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करा सकें। इस स्थिति में क्या होगा बच्चों, तापमान यहाँ तो अधिक होगा लेकिन ये प्लाज्मा किसी को छू नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वो वोलाटाइल नहीं होगी। इस तकनीकी को कहते हैं टोकामैक टेक्नोलॉजी, और इसे रशियंस ने इजाद किया, इसे रशियंस ने बनाया। ठीक है बच्चों, रशियन ने पहली बार टोकामैक टेक्नोलॉजी बनाई। टोकामैक टेक्नोलॉजी बन तो गई लेकिन ये स्टेडी स्टेट नहीं हो पाई। स्टेडी स्टेट टोकामैक, स्टेडी स्टेट टोकामैक का मतलब है कि इस अवस्था को हम सतत बनाए रख सकें, लगातार बनाए रख सकें, ताकि आने वाले लंबे समय तक हम फ्यूज़न रिएक्शन स्टैब्लिश करके उसे चलाए रख सकें। ऐसा नहीं हो पा रहा था, और इसी कारण से कैडराश फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर बनाया जा रहा था, कई सालों से बन रहा था बच्चे, और इसमें कई सारे कंट्री भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे, और इसका भारत भी मेंबर है, और मैं कहूं अगर भारत इसका भाग्य विधाता है तो गलत नहीं होगा।
ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे क्यों भारत को टोकामैक टेक्नोलॉजी में लिया गया, आदर के साथ बुलाया जाता है कि आइए भाई आप भी हमारा साथ दीजिए। रशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, कोरिया, ये कंट्री मिल करके, और फ्रांस, ऑब्वियसली फ्रांस यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, फ्रांस टोकामैक टेक्नोलॉजी ITER थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करते हैं 35 साल पहले। ITER क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव साइंटिफिक मेगा प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस। मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस वही डिवाइस है बच्चे जो कि टोकामैक टेक्नोलॉजी है। दिस 35 ईयर लॉन्ग कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस 500 मेगावाट फ्रॉम 50 मेगावाट इनपुट हीटिंग पावर। ये जो 50 मेगावाट इनपुट हीटिंग पावर है ना, ये छोटकू जो है वो फीशन रिएक्टर है। फीशन रिएक्टर जो क्या करेगा, इतना पावर देगा कि 10^7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचे और तब जाकर के फ्यूजन हो सके। समझ रहे हैं? ठीक है। कैडरास फैसिलिटी एट सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस फ्रांस, जगह का नाम है, बड़ा टेढ़ा टाढ़ा नाम है, तो कैडरास याद रखें, और जो लोग तेज तर्रार हैं जिनकी जुबान मेरी तरह लड़खड़ाती नहीं, वो सेंट पॉल लेज ड्यूरेंस भी याद कर सकते हैं, फ्रांस में, ये मत भूलिएगा। ठीक है। द ITER विल मेक अस यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन टू जनरेट हाई एनर्जी एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। न्यूक्लियर फ्यूजन इज प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड वाइल फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल हैवी न्यूक्लियस फ्रॉम टू लाइटर न्यूक्लियाई। प्यारे बच्चों, यहाँ दो बातें कह दी गई। एक तो पहले 10^7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए फ्यूजन रिएक्शन होने के लिए। दूसरा कह रहा है एट वेरी लो टेम्परेचर, आसपास इतना लो टेम्परेचर हो कि इसको एंटागोनिस्ट कर सके और इसको हम कंटिन्यू कर सकें। उसके लिए भारत बना रहा है थर्मोस्टैट, याद रखना थर्मोस्टैट, एक बहुत बड़ा सा फ्रिज बना रहा है जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे आधारित है। कितना बड़ा, जान के बहुत खुशी होगी, आप जानते भी होंगे काफी बड़ा है, आगे है, अभी क्यों बता दूं। इस थर्मोस्टैट को बनाने का काम भारत को दिया गया और भारत में ये डेवलप कर भी रहा है। और ये थर्मोस्टैट का काम है कि चारों तरफ बहुत कम तापमान उत्पन्न करना ताकि अंदर अत्यधिक तापमान पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया जा सके और इसे स्टेडी स्टेट टोकामैक बनाया जा सके। ठीक है। कौन कौन से देश हैं भाई, आप इसको देख लें। क्यों इसकी आवश्यकता है, आप सभी जानते हो, ऊर्जा की सबको जरूरत है। हमारा प्लानट जो है यूज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड, डिमांड बढ़ रही है, डेप्लीट हो रहे हैं कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, सब कुछ कई बार बताया गया है, इसलिए कोई मतलब नहीं है बार बार दोहराने का। और हमें ऑप्शंस चाहिए होंगे और उस ऑप्शन के रूप में फ्यूजन रिएक्टर जो है बहुत ही उम्दा तरीका हो सकता है जिससे हम पूरी दुनिया की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यही वो फ्यूजन रिएक्शन है बच्चों जो सूर्य पे ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है। सूर्य पे ऑलरेडी यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और यही आर्टिफिशियल सन हम यहाँ बनाना चाहते हैं। क्या तरीका है, मैंने टोकामैक टेक्नोलॉजी आपको बता दी। अब जरा देखते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। रशिया है, यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है जिसमें फ्रांस अग्रणी भूमिका में है, जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया को 2003 में बुलाया गया कि भाई आइए आप भी कुछ अपना योगदान दीजिए। और भारत, भारत भारत को शुरू में नहीं बुलाया गया था लेकिन भारत ने अपना कद जब मजबूत किया 2005 में, इनसे पूछा गया कि आपको कुछ आइडिया है भाई टोकामैक के बारे में, तो हमने कहा कि सर एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि हमारे यहाँ एक संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, यहाँ पे हमने आदित्य नाम का छोटा सा SST बनाया है, SST स्टेडी स्टेट टोकामैक, लोगों को लगा रहे
क्या बात है, झूठ तो नहीं बोल रहे कि नहीं भाई हमारे यहाँ आप जाके देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद, वी हैव क्रिएटेड आदित्य स्टडी स्टेट टोकामैक। तो लोगों को लगा कि यार इंडिया में दम है, ये स्टडी स्टेट टोकामैक बनाए हैं हम लोग, केवल टोकामैक बनाए हैं, बट भारत ने स्टडी स्टेट टोकामैक बना लिया है। हाँ अलग की बात है वो छोटा है, लेकिन इसका मतलब है प्रोटोटाइप जो बना सकता है वो बड़ा भी बना सकता है। इनको लेते हैं लाइन में, भारत को 2005 में इंडक्ट किया जाता है बच्चे, और इस प्रोजेक्ट में भारत लगता है, और आगे जा करके भारत को जो काम मिलता है वो क्या है, वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। यही वो थर्मोस्टैट या क्रायोस्टैट है, थर्मोस्टैट, इसको क्रायोस्टैट भी बोलते हैं। क्रायोस्टैट इसलिए कहते हैं एनीथिंग विच इज रिलेटेड विथ क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक का मतलब होता है अत्यंत कम तापमान पर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड विथ क्रायोजेनिक्स, चाहे वो क्रायो प्रिजर्वेशन हो, क्रायो बायोलॉजी हो, या फिर क्रायोजेनिक रिसर्च हो स्पेस रिसर्च में, जहाँ पे आप लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फ्यूल। ये क्रायोस्टैट बनाने का काम भारत को दिया गया। कहा गया कि भाई एक वेसल बना लो, काफ़ी बड़ी होगी ये वेसल, जो कितनी बड़ी होगी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, 30 मीटर इसका व्यास होना चाहिए, 30 मीटर, और इसकी हाइट भी 30 मीटर होनी चाहिए। इतना बड़ा है क्रायोस्टैट, जस्ट इमेजिन। अब कितने बिल्डिंग इसमें आ जाएंगी, 30 मीटर बाई 30 मीटर का ब्लॉक आप बनाओ, और ये कैसा होना चाहिए, क्रायोस्टैट होना चाहिए, अंदर तापमान मेंटेन होना चाहिए, और वो भी क्रायो लेवल पे, ठीक है। और 4,000 टन का स्टेनलेस स्टील लगेगा इसमें। इट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट लार्सन एंड ट्यूब्रो हजीरा गुजरात इंडिया, बन रहा है लार्सन एंड ट्यूब्रो हजीरा गुजरात इंडिया में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लस्टर है या इंस्ट्रूमेंट है पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए। इसी के अंदर बच्चों वो मैग्नेट लगेगा और वहाँ प्लाज्मा रिसर्च होगा। ये काम भारत को दिया गया। मेंबर कंट्री आर फंडिंग ऑफ आईटीआर। देर आर 7 पार्टिसिपेटिंग मेंबर इन आईटीईआर प्रोग्राम, नेमली द यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। यूरोपियन यूनियन इज पार्टिसिपेटिंग थ्रू लीगली डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूरेटम। यूरेटम याद रखिएगा, यूरेटम यूरोपियन यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन है, सारे के सारे जो कंट्री हैं उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ऑल्सो हॉस्ट मेंबर ऑफ प्रोजेक्ट विच इज़ कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट ऑफ द कॉस्ट। ये हॉस्ट है और प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा कॉस्ट यही दे रहा है। एज ऑफ 2016 द टोटल प्राइस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन 20 बिलियन यूरो। 20 बिलियन यूरो से ज़्यादा हो सकता है इसका कॉस्ट, विथ 45% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हॉस्टिंग मेंबर एंड रेस्ट स्प्लिट बिटवीन द रिमेनिंग पार्टिसिपेटिंग मेंबर। 45% तो देगा यूरोपियन यूनियन, और बाकी के 55% बाकी के जो है ना, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट, इनके द्वारा फंडिंग की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रायोस्टेट बेस एट आईटीईआर मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो इंडियन एम्बेसी में, जब भी आपको दी है, कॉपीराइट ना आए इसलिए इनको थैंक यू बोल देते हैं। ये जो आपके पास इमेज है ये इंडियन एम्बेसी के द्वारा दी गई है, और आप यहाँ देख रहे हैं, इंडिया इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर बोथ इन कैश एंड काइंड। कैश भी दे रहे हैं भाई और काइंड में भी दे रहे हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इवर साइंटिफिक मेगा प्रोजेक्ट। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द 7 मेंबर कंट्री विच हैज़ कम अप टू सदर्न फ्रांस फॉर अ काइंड ऑफ डिलीवरेबल एंड कैरिंग आउट कॉमन एक्टिविटी इन सपोर्ट ऑफ आईटीईआर लाइक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस एंड क्वालिटी ऑडिट। आउट ऑफ टोटल शिपिंग लोड डिलीवर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट 40% हैव कम फ्रॉम इंडिया। जितना कुछ टोटल शिपिंग लोड यहाँ अभी तक आया, 40% वाला लोड हम लोगों ने पहुँचाया यहाँ, ठीक है। क्रायोस्टेट आप देख रहे हो कितना बड़ा है,
इट्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द रिएक्टर. भारत का ये सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है क्रायोस्टैट, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है. इट इज़ द शेल विद इन विच रिएक्टर एग्जिस्ट टर्म्ड एज क्रायोस्टैट. यही वो शेल है, यही वो खोली है जिसके अंदर रिएक्टर बनाया जाएगा. ठीक है बच्चे. इट विल परफॉर्म टू मेन फंक्शन, दो काम करेगा, नेमली मेंटेनिंग लो टेम्परेचर एंड प्रोवाइडिंग वैक्यूम कंडीशन फॉर सस्टेनिंग द फ्यूजन रिएक्शन. पहला चीज कि चारों तरफ लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, क्रायोस्टेट है. दूसरा, वैक्यूम रहे अंदर ताकि वो जो प्लाज्मा, दोनों जो मैग्नेट है उसके बीच में जो प्लाज्मा है वो इधर उधर चला ना जाए. सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ वैक्यूम विच इज़ वेरी नेसेसरी, जो कि ये क्रायोस्टैट कर पाएगा. इफ द टेम्परेचर कुड नॉट बी मेंटेन एट एन एक्सट्रीमली लो लेवल द इंटायर फ्यूजन सिस्टम वुड एक्सप्लोड. अब सोचो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बम के रूप में फट सकता है अगर ये क्रायोस्टैट काम करना बंद कर दे. हाइड्रोजन बम, वाई इट हैज़ नॉट बीन गिवन टू चाइना, चाइना के माल का कोई भरोसा नहीं, क्या पता फट जाए. इसीलिए भारत को दिया गया कि भाई क्रायोस्टैट बनाओ, ऐसा बनाओ कि सस्टेन करे लो टेम्परेचर. याद रखना, भारत को इसीलिए दिया गया है, चाइना गड़बड़ काम करता है. अ लार्ज पार्ट ऑफ क्रायोस्टैट इज ऑलरेडी कंप्लीट एंड रेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 2021. फील प्राइड जब आप ये पढ़ रहे हैं लाइन. ठीक है. इंडिया इज एन ओल्ड कैंडिडेट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च. ये हमारी गौरव गाथा है, जरा सुन लीजिए. हम पुराने हैं, पुराने शेर हैं इस मामले में, न्यूक्लियर फ्यूजन के रिसर्च के मामले में. इंडिया इज एन ओल्ड कैंडिडेट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च विच फर्स्ट टुक प्लेस इन द कंट्री ड्यूरिंग 1980. 1980 से 40 साल से हम कर रहे हैं. द फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस ऑफ इंडिया आदित्य टोकामैक स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1989. 1989 में हमने आदित्य टोकामैक बना दिया था. आदित्य टोकामैक इज स्टिल वर्किंग इन अहमदाबाद बेस्ड आईपीआर. ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ आईपीआर प्लाज्मा रिसर्च. ठीक है, अहमदाबाद आईपीआर. इट वॉज क्रिएटेड. देन द टॉक्स अबाउट एसएसटी मिशन स्टार्टेड डूइंग द राउंड इन 1994. हमने टोकामैक बना लिया था, उसके बाद स्टेडी स्टेट टोकामैक बनाने की कवायद शुरू कर दी थी विच वॉज फैब्रिकेटेड बाई 2005. और 2005 में हमने एसएसटी बना लिया था, स्टेडी स्टेट टोकामैक 1. द असेंबली ऑफ एसएसटी 1 वॉज द प्राइम फैक्टर बिहाइंड अचीविंग द ग्रीन सिग्नल टू इंडियाज एंट्री इन टू आईटीईआर प्रोजेक्ट. आईटीईआर प्रोजेक्ट में हमें क्यों बुलाया गया दादा की तरह, क्योंकि हमने SST1 बनाया था 2005 में, फैब्रिकेट करके दिखा दिया था कि देखो तुम लोग अभी बच्चे हो, सीखो, हम बना चुके हैं, आओ चलो, हमें बुलाओगे अगर तो वहाँ जा कर के हम तुम्हारी मदद करेंगे. सीइंग द एडवांसेस मेड बाय इंडियन साइंटिस्ट इन SST1, इंडिया वाज ऑफिशियली सेलेक्टेड एज फुल पार्टनर ऑफ ITER इन 2005. ऐसे ही थोड़ी कोई बुलाता है. आपके अंदर वो गुण होने चाहिए तभी आपको ऐसी जगहों पे बुलाया जाता है जहां एलीट हो. UPSC आपको तभी अपने पास बुलाएगी जब आप में वो दमखम होगा, आप प्रीलिम्स निकालोगे, मेंस निकालोगे और इंटरव्यू फोड़ोगे. और इस दमखम को लाने के लिए सतत मेहनत की आवश्यकता होगी. 1980 से भारत लगा हुआ है फ्यूज़न रिएक्शन में. आदित्य टोकामैक बनाया, 1989 में बनके आदित्य टोकामैक तैयार है, लेकिन SST नहीं था, स्टेडी स्टेट नहीं बन पा रहा था. स्टेडी स्टेट का मतलब उसे लगातार चलायमान रखा जा सके. अंत में 2005 आते आते 1994 से हमने शुरू किया एक्सपेरिमेंट कि हम SST1 बना सकें, स्टेडी स्टेट टोकामैक बना सकें, और 2005 में हम बना लेते हैं. और ये वो कहानी है जिसके बाद हमें बुलाया जाता है कि आइए चलिए हम लोग ज़रा बड़ा रिएक्टर बना लें, तो हम चले जाते हैं. इंडिया हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ITER साइट. 5000 स्क्वायर मीटर क्रायोस्टैट, 5000 स्क्वायर मीटर का है क्रायोस्टैट. वर्कशॉप इन फ्रांस is owned by India and given a mini India feel with notice boards and sign boards hanging around in Hindi language and young Indian engineer roaming around in the campus
लाइक किंग एंड क्वीन, समझ गए? कितनी अच्छी बात लिखी गई है ये, इसीलिए मैं लेके भी आया। ये न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल निकला था, इसीलिए मैं लेकर के आया। इंडिया हैव अ वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस इन आईटीआर साइट, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्रायोस्टेट वर्कशॉप वहाँ फ्रांस में है, जो भारत के द्वारा मिनी इंडिया का फील देता है। नोटिस बोर्ड और साइन बोर्ड हैंगिंग अराउंड इन हिंदी लैंग्वेज लगे हुए हैं, और जहाँ हमारे भारत के बेटी बेटियाँ घूम रहे होते हैं, मतलब काम कर रहे होते हैं। तो ये है बच्चे स्टेडी स्टेट टोकामैक, स्टेडी स्टेट टोकामैक, जिसको ITER थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर जो बना है। अभी इसके बारे में एक रिसेंट न्यूज़ एक आई हुई है जो आपको जान लेना चाहिए। इसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल सन, ठीक है बच्चों, आर्टिफिशियल सन। चाइना ने क्लेम किया, ये बात आपको चूंकि 2020 में करंट अफेयर में आएगा इसलिए आपको मैं बता दूं, चाइना ने क्लेम किया कि हमने बना लिया है अपना आर्टिफिशियल सन। अब कितना बनाया है पता नहीं, क्या बनाया है नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं तो आर्टिफिशियल सन इन्होंने बनाया है। उसका नाम इन्होंने रखा है HL2M टोकामैक, HL2M टोकामैक। चाइना ने ये 2020 में, आई थिंक इट वाज इन जनवरी और फरवरी, चाइना ने ये बनाया और कहा कि हमने बना लिया है अपना आर्टिफिशियल सन। और ठीक है, मनु ने लिखा 5,000 स्क्वायर मीटर क्रायोस्टेट, 5,000 स्क्वायर मीटर का नहीं है क्रायोस्टेट, 30 मीटर, और 30 मीटर का ये आप समझ लो इतना ही है, लेकिन 30 मीटर और 30 मीटर वाले जो बनाने के लिए, खैर वो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे असेंबल तो किया जाएगा, वहाँ जाके असेंबली करने के लिए जो वहाँ वर्कशॉप है वो इतना बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर की बात हुई। थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट हम लोग पोखरण में कर चुके हैं, और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस हमारे पास है, हाइड्रोजन बम हमारे पास है। तो इन शब्दों के साथ जो न्यूक्लियर रिसर्च का पार्ट है आज लगभग ख़त्म होता है, और हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें इस पे देखी हैं। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के बारे में हम लोगों ने देखा, और न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने देखा। कुछ बातें और भी हैं जो कि आपको जान लेना चाहिए, जो मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत देखी जाती हैं, जैसे न्यूक्लियर विंटर, न्यूक्लियर विंटर वगैरह क्या हैं ये जानना चाहिए आपको। तो आइए एक बार इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आज आज मुझे लग रहा है कि हम लोग एनर्जी वाला सेक्शन खत्म कर चुके हैं, कल से हम लोग शुरू करेंगे स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो कल से हम लोग स्पेस रिसर्च शुरू करके उसको फटाफट ख़त्म करें। उसके बाद करेंट अफेयर वाला सेक्शन जो लोग दे रहे हैं 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम, उनके लिए मैं करेंट अफेयर लेके आऊँगा। कुछ करेंट अफेयर कवर किया गया है, करेंट अफेयर मैं साइंस टेक और एनवायरनमेंट दोनों के लेके आऊँगा सैटरडे संडे के दिन। आप लोग ज़रूर उसको कोशिश कीजिएगा बच्चे, ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, बिल्कुल 2 बजे वाली भी क्लास होगी, कल से मैं कोशिश करूँगा 2 बजे वाली क्लास करने के लिए। तो आइए ज़रा बात कर लेते हैं न्यूक्लियर विंटर की। न्यूक्लियर विंटर एक टर्म है बच्चे, ये स्थिति तब आती है जब कोई न्यूक्लियर बम डेटोनेट किया जाता है। न्यूक्लियर बम डेटोनेशन के कारण आपने देखा होगा कई सारे वीडियो पड़े हुए, मशरूम क्लाउड ऊपर की ओर उठता है और वो स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाता है। स्ट्रेटोस्फियर में, चूंकि वो मशरूम क्लाउड क्या है, नीचे से काफ़ी डस्ट पार्टिकल, मकानों और बिल्डिंग्स के डेब्रीज ऊपर लेकर के वो पहुंचता है, और स्ट्रेटोस्फियर में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो फैलना शुरू करते हैं, यू नो जेट स्ट्रीम्स, और ये बहुत तेज़ी से दूर तक फैल जाते हैं और काफ़ी बड़े एरिया को ढक लेते हैं। ढक लेने के बाद क्या होगा, शुरू में तो खूब टेम्परेचर बढ़ जाता है, आसपास के एरिया में लोग उबल के समाप्त हो गए, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में देखा गया, उतने ज़्यादा टेम्परेचर पे आसपास लगभग 1 लाख लोग तुरंत मार दिए गए। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये स्ट्रेटोस्फियर में पहुंचा तो ये दूर तक
तक फैल जाता है, इसका स्प्रेड काफ़ी दूर हो जाता है और ये आने वाली सूर्य तप को, आने वाले सूर्य तप को रोक लेता है। जब सूर्य तप नीचे नहीं आ पाएगा, इंसुलेशन नीचे नहीं आ पाएगा, ऊपर ही रह जाएगा, तो प्यारे बच्चों उस पूरे क्षेत्र में तापमान तेजी से घटना शुरू कर देगा, कूलिंग होने लगेगी। और अगर कूलिंग होने लगी तो आपको पता है वो सारी जानवर जिनके शेल्टर्स नहीं हैं, जिनके वास स्थान ऐसे नहीं हैं कि वो इस ठंड से बच जाएं, और जिनको अंदाज़ा है कि भाई अभी ठंडी तो काफ़ी दिनों बाद होगी, तो सारे के सारे मारे जाएंगे। आपको ये भी पता है कि अगर टेम्परेचर का ये फ्लक्चुएशन लॉन्ग टर्म में रहता है और हमारे शरीर का तापमान रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, हम वार्म ब्लडेड हैं, लेकिन अगर हम प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड कंडीशन में रखे जाएं तो हमारे अंदर भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं वो सीज करने लगेंगी। सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, जो फसल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कार्य करते हैं, उनके अंदर जो भी एंजाइम हैं वो किसी न किसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं। आप ऑप्टिमम तापमान चाहिए होता है, अनुकूलित तापमान चाहिए होता है। अगर उस तापमान से कम तापमान ज़्यादा समय तक, कई दिनों तक रह जाता है तो मास क्रॉप फेल्योर होगा। तो अब ज़रा जोड़िए इन तथ्यों को और इन प्रभावों को। अगर आप देखें तो पहले तो खूब ताप बढ़ा, विकिरण हुआ, उसके कारण वहाँ आसपास मास डिस्ट्रक्शन हुआ, जान माल की हानि हुई, फसलों की हानि हुई, पेड़ पौधों की हानि हुई। उसके बाद ग्लोबल कूलिंग जैसी स्थिति हो गई उस क्षेत्र में, कूलिंग इफेक्ट के कारण वहाँ पे क्रॉप फेल्योर, मास क्रॉप फेल्योर, जो कि उस साइट से काफ़ी दूर के एरिया में भी हुआ, जिससे फसलें ख़त्म हो गई, फसलें ख़त्म हो गई बच्चों, उत्पादन कम हो गया या ख़त्म हो गया और हंगर प्रीवेलेंट हो गया। ये पूरी जो प्रक्रिया है जो आपके साथ मैंने अभी शेयर की, इसे ही न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। तो न्यूक्लियर विंटर वो विभीषिका है जो किसी न्यूक्लियर बम के एक्सप्लोजन के बाद होती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में डस्ट पार्टिकल फैल जाते हैं और वो आने वाले सूर्य तप को रोक देते हैं, नीचे का तापमान घट जाता है, घटा हुआ यह तापमान वहाँ के फ्लोरा और फाना को, दोनों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, जान माल की हानि तो होती है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में क्रॉप फेल्योर होने से भुखमरी जैसी विभीषिका हो जाती है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। बाकी न्यूक्लियर पोल्यूशन आप सबको मैंने बताया, रेडिएशन से जो भी पोल्यूशन होता है, हाँ रेडिएशन से जो सारे पोल्यूशन होते हैं वो सब कुछ आपने कई बार, मैंने आपके बीच में उसको रखने का प्रयास किया है, जब हम लोग ओजोन डेप्लीशन पढ़ रहे थे, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रेडिएशन, और जब हम लोग एक्सरे वगैरह के बारे में, गामा रे वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, न्यूक्लियर रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने कई सारी बातें की जिसमें स्किन कैंसर, सनबर्न, ऑर्गन फेल्योर, जेनेटिक चेंज, म्यूटेशन, क्रॉप फेल्योर, ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं। इसको हम न्यूक्लियर पोल्यूशन कहते हैं बच्चे। तो कुल मिलाकर के शीला ने कहा सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा धीरे। पूछ सकते हैं रवि, क्या प्रश्न क्या है आपके बताएं। मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूं कि ये सारी चीजें ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम लोगों ने बातचीत में एक दूसरे से डिस्कस की हैं, तो थोड़ा तो तेज चलना पड़ेगा, बीच में इतनी क्लास गैप हुई है। रवि क्या पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोग एनर्जी वाला सेक्शन ख़त्म कर लिए हैं, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्पेस रिसर्च। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, पक्का आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। हम लोग स्पेस रिसर्च में पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे ये मैं बता दूँ। पहले तो स्पेस रिसर्च शुरू कब हुआ, क्या है स्पेस रिसर्च, विक्रम साराभाई ने क्या किया, ये सारी बातों को लेते हुए
ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी, लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में जानकारी और इस लॉन्चिंग व्हीकल को बनाने में जो भी पुरोधा हमारे लगे हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा होगी और किस प्रकार से हम लोग रवि ने पूछा कि न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट कैसे करता है। क्षणिक रूप से अगर देखें, शॉर्ट टर्म में देखें बच्चे, तो बहुत तेज़ी से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक बढ़े तापमान पे लोग वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है, एक छोटे से एरिया को कवर कर, छोटा एरिया का मतलब इतना भी छोटा नहीं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं वो रेडिएशन के कारण होते हैं और न्यूक्लियर विंटर के कारण होते हैं। तो रेडिएशन और न्यूक्लियर विंटर का जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो कई सालों तक होता है, कई पीढ़ियों तक होता है। आज भी नागासाकी और हिरोशिमा में जो पीढ़ियां हैं अपंग पैदा होती हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म में तो जो लोग मारे गए उस समय मारे गए वो तो हानि थी ही, लेकिन जो लंबे दौर में चल के जो न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण या फिर जो न्यूक्लियर विंटर के कारण समस्याएं आईं वो काफ़ी दिनों तक परेशान करती रहीं। तो इसका यही जवाब है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो ज़रा पूछ लीजिए, अभी समय है, 10-15 मिनट समय है, आपके प्रश्न मेरे जवाब, मैं तैयार हो गया हूँ। कुछ अगर पूछना चाहते हैं, अब तक जितना भी पढ़ा आपने साइंस टेक और एनवायरमेंट भी, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हम लोग उसका जवाब देना चाहेंगे। रवि प्रकाश ने पूछा कि अगर हम लोग वहाँ पे हों तो कैसे बच सकते हैं। बचने के लिए आपको ज़मीन के अंदर बंकर बनाने होंगे, काफ़ी अंदर तक बंकर बनाने होंगे, और वहाँ पे आने वाले कुछ समय के लिए रसद आपूर्ति बनाए रखनी होगी, तभी ही बचना वो है, अन्यथा आसपास के एरिया को छोड़ना ही पड़ता है, बचने का कोई और तरीका नहीं है। बता दिया रवि, आई आंसर्ड। बचने के लिए कभी भी हाइड्रोजन बम वगैरह की स्थिति होती है या न्यूक्लियर बम की होती है, वी नीड बंकर्स इनसाइड द अर्थ, तभी वहाँ पे बचना आसान है, अन्यथा ऊपर तो मुश्किल होगा। ठीक है, जीतू के प्रश्न अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है, तो जीतू पूछिए, फटाफट पूछिए। आप सभी लोग बहुत कम संख्या में पहुंचते हैं मेरे क्लास में, नाराजगी है क्या आपकी कोई? पूछिए, फटाफट पूछिए बच्चे, फिर उसके बाद आगे बात की जाए। पूछ लो भाई रवि, पूछ लो, क्या प्रश्न है? और किसी को कुछ पूछना? चलिए, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास चल रही है प्लस पे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ACS Live मेरा प्रोमो कोड है, सपोर्ट कीजिए आप सभी ताकि क्लास अनवरत चलती रहे और आपकी तैयारी होती रहे। हिमांक मंडल, इसकी इंग्लिश बताएंगे जी, तो क्या है ये? हिमांक मंडल, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड।
क्रायोस्फीयर, हाउ क्रायोस्फीयर इज अफेक्टिंग ग्लोबल क्लाइमेट टेम्परेचर या ग्लोबल क्लाइमेट को. ग्लोबल कूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्रायोस्फीयर से देखना है. क्रायोस्फीयर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. क्रायोस्फीयर जिसमें आपको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में भी चर्चा की जाएगी और क्रायोस्फीयर से किस तरह से ग्लोबल कूलिंग हो रही है उसकी चर्चा की जाएगी. तो अलग से इस पे क्लास होगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ग्लोबल कूलिंग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि क्रायोस्फीयर से रिलेटेड है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा हो जाता है. ग्लोबल वार्मिंग की जगह ग्लोबल कूलिंग दिखाई पड़ने लगती है, लेकिन चूंकि दोनों विचारधाराएं चल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की भी और ग्लोबल कूलिंग की भी, और कौन सी सत्य होते दिखाई पड़ती है जब हम ये देखते हैं, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग सत्य होती दिखाई पड़ रही है. अभी ग्लोबल कूलिंग पे बहुत ज़्यादा मतलब उस पर हम रिलाय ऑन नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है. तो क्रायोस्फीयर की चर्चा हम करेंगे वहाँ पे. थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए, एनवायरनमेंट की क्लास में इसको हम लोग एक साथ देख लेंगे. ठीक है, तो मुझे लगता है यहीं ख़त्म करना चाहिए. आज ज़्यादा था नहीं, कल से हम लोग स्पेस रिसर्च